हेलो गाइस, वेलकम टू बी एन टेक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मोटरोला G71 इंडिया में जो लॉन्च हुआ था, अच्छी स्पेसिफिकेशन और प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ था, अब इसी सीरीज का एक और स्मार्टफोन मोटो G71S इंडिया में आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से मई के एंड या जून के स्टार्टिंग में स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। वैसे दोस्तों, मोटो G71S के इस लॉन्च से पहले इसका कुछ फोटो लीक हो चुके हैं और क्या ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के साथ ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, फुल स्पेसिफिकेशन आ गए, तो आज के वीडियो में सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मोटो G71 क्या ओवरऑल स्पेसिफिकेशन और क्या डिजाइन लुक के साथ लॉन्च होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ फोटो निकल कर आ चुका है जो आप इधर देख सकते हो। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है और फ्रंट में सेंटर पंचोल सेल्फी कैमरा है। वैसे डिजाइन ओवरऑल सेम है जो G71 में थी, ऐसी कुछ इसकी डिजाइन है। अब सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इधर 6.6 इंच की ओलेड डिस्प्ले होगी 120 हर्ट्ज़ फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, साथ में कोरिंग गोल्डा ग्लास की प्रोटेक्शन होगी डिस्प्ले में। कैमरे के बारे में बात करें तो इधर 50 मेगापिक्सल ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 50 मेगापिक्सल मेन प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा। फुल HD वीडियो शूटिंग होगा रियर कैमरे से। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल सेंटर पंचोल सेल्फी कैमरा होगा, जिसमें भी फुल HD वीडियो शूटिंग होगा। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो मोटो G71S इंडिया में कोलकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट के साथ आएगा। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, एड्रेनो 619 GB है। वैसे दोस्तों, परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी अच्छी होगी, गेमिंग भी आप इसमें अच्छी तरह से कर पाओगे। और दोस्तों, 5000 mAh की बैटरी है, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। बैटरी कैपेसिटी और चार्जर अच्छा है, USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों, UI के बारे में बात करें तो इसमें लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 मिलेगा और मोटोरोला का जो UI है वही मिलेगा, जो जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। दोस्तों, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन अच्छी है। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें साइड माउंटेड फिंगर भी सेंसर, फेस लॉक का सपोर्ट, लेटेस्ट ब्लूटूथ और वाईफाई वर्जन का भी सपोर्ट मिलेगा, साथ में 3.5 हेडफोन जैक, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट और आपको इसमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का भी सपोर्ट मिलने वाला है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन दोस्तों काफ़ी अच्छी है। हम प्राइस और वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो इसके कुछ दो वेरिएंट्स लीक हुए हैं, जिसमें 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज और 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज, ऐसे दो वेरिएंट्स के साथ आ सकता है। वैसे दोस्तों, अभी तक ओवरऑल प्राइस के बारे में कोई भी लीक नहीं आई कि क्या प्राइस रेंज में स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है, लेकिन ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज अंडर 20,000 आपको शायद स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों, मोटो G71S के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हो, क्या वेट कर रहे हो, आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। तो दोस्तों, इतना था आज के वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। तो मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।